Hello, Namaste, Adab. I am Taslima and you are on my channel TSP Education Hub. Friends, हम every day कुछ ना कुछ feeling जरूर अपना express करते ही हैं. चाहे वो दुखी वाली feeling हो, या खुशी वाली, या surprise वाली, या गुस्से वाली. ये सारी feelings हमें पूरे दिन 24/7 हमारे mind में, हमारी heart में चलता रहता है और हम इसे express करते रहते हैं अपने friends को, अपने family members को, हर किसी के साथ हम अपनी feelings share करते हैं. तो क्यों ना इन feelings को हम English में share करें? क्योंकि आप English में सिर्फ 2-3 words के combination से ये सारे feelings express कर सकते हो. ये बहुत आसान है, ठीक है? तो आज के वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि अपनी फीलिंग्स को कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस किया जाए. गुस्से वाली फीलिंग, खुशी वाली फीलिंग, प्यार वाली फीलिंग, दुख वाली फीलिंग, सारी फीलिंग्स की मैं आपको पूरी लिस्ट बनाकर बताऊंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले. फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनाया हुआ है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर. अगर आपने मिस कर दिया तो डोंट वरी, आपको ऊपर दिए गए आई लिंक में सब कुछ मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं तारीफ से. जी हाँ, तारीफ तो हमें करनी पड़ती है. चाहे कोई न्यू कार लिया हो, न्यू बाइक ली हो, या कोई बहुत सुंदर लग रहा हो, भले अंदर कितनी भी जलन हो आपको, लेकिन बाहर से आपको तारीफ तो दिखाना ही पड़ता है फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, है ना? तो कभी हम मन से तारीफ करते हैं और कभी हम थोड़ी जलन की भावना से भी तारीफ कर लेते हैं. तो हिंदी में हम तारीफ कैसे करते हैं? वाह, कितना सुंदर है! वाह, ये तो बहुत अच्छा है! तो इसे आप इंग्लिश में सिर्फ 2 वर्ड्स के इस्तेमाल से कर सकते हो, जैसे कि हाउ वंडरफुल, हाउ लवली, हाउ ब्यूटिफुल. लेकिन थोड़ा टोन का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा खींच कर बोलना है. हाउ ब्यूटिफुल, हाउ लवली, हाउ वंडरफुल. या फिर आप बोल सकते हो वाओ, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लवली. ठीक है, तो इस तरह से हम तारीफ कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगर आपको किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपको बोला कि अरे बहुत बधाई हो कि आपने कुछ नया लिया है, कुछ नई कार खरीदी या कुछ भी लिया है, तब आप क्या बोलोगे? बाय गॉड्स ग्रेस, यानी भगवान की कृपा से. बाय गॉड्स ग्रेस, सिर्फ 3 वर्ड्स यूज करके हमने ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया. बाय गॉड्स ग्रेस, याद रखिएगा, बाय गॉड्स ग्रेस यानी ईश्वर की कृपा से हुआ है. अगर आपकी हेल्प की है किसी ने, तो आप उसे दुआएं देना चाहते हैं, या आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो आप उनको दुआएं देना चाहते हैं, तब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू. अगर आपको किसी ने बधाई दी है, सपोज दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, किसी ने आपको बोला हैप्पी दिवाली या मैरी क्रिसमस, तब इन रिटर्न आप उन्हें बोल सकते हैं सेम टू यू, सेम टू यू यानी आपको भी मुबारक हो. नेक्स्ट, अगर आपको किसी ने पूछा क्या आप ये काम करना चाहते हैं और आप उसे करना चाहेंगे, अगर वो काम आप करना चाह रहे हैं, तो आप हिंदी में क्या बोलोगे? बेशक मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं करना चाहूंगा. तब आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सिर्फ एक वर्ड से आप बोल सकते हैं अफकोर्स, अफकोर्स. अगर आगे एक्सटेंड करना है आपको सेंटेंस, तब आप बोल सकते हैं अफकोर्स आई विल, हाँ बिल्कुल, बेशक मैं करूंगा. सपोज अचानक आपको कोई सरप्राइज मिल जाता है कि कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई बहुत पुराना फ्रेंड आपसे मिल रहा है, या आपके पेरेंट्स बहुत दिनों बाद अचानक से आपके सामने आ गए, तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? What a pleasant surprise! What a pleasant surprise! अगर आपको किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया दिया, आपको वो आइडिया पसंद आया, तब आप बोलेंगे What an idea! What an idea! सिर्फ 3 वर्ड से आप बोल सकते हैं What an idea! सपोज आपको मतलब कोई चीज बहुत बुरी लगी है कि किसी ने अपमान किया है किसी का, है ना, तब आप क्या बोलेंगे अपमान वाले सिचुएशन में? How disgraceful! How disgraceful! How disgraceful! अगर कोई फिजूल की बातें कर रहा है, कोई इधर उधर की बातें कर रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है, तब आप बोल सकते हो How absurd! How absurd! How absurd! अगर किसी मुसीबत में आप फंस गए हैं, अचानक से काम का प्रेशर बढ़ गया, बहुत सारा काम आ गया, या कुछ मुसीबत हो गई, तब हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्या मुसीबत है,
बोलते हैं ना, क्या मुसीबत आ गई, कहाँ फंस गए, क्या मुसीबत है, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर. नाउ नेक्स्ट, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, बहुत ही गंदी लग रही है, या कहीं आप ऐसी जगह चले गए जहां आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हाइजीन नहीं है, या जो भी सिचुएशन है जहां हम बोलते हैं ना छी छी छी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, तब आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग. आपने कोई मैच देखा जो बहुत ही पसंद आया आपको और विक्ट्री हुई आपकी टीम की, तब आप बोल सकते हो व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री. अगर आप कोई मैच जीत कर आए हैं तब आप बोल सकते हो हुर्रा आई वन द मैच, हुर्रा आई वन द मैच. किसी को बहुत ही बुरी सिचुएशन में आप देख रहे हैं जो आपसे देखा नहीं जा रहा है, तब आप बोल सकते हैं व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, मतलब कितनी दुख की बात है ना. या फिर आप बोल सकते हैं हाउ सैड, हाउ सैड. अगर कोई बहुत शर्मनाक चीज आपने देखी जो किसी को नहीं करना चाहिए और उसने किया है और बहुत ही गलत चीज है, तब आप कैसे बोलेंगे हाउ शेमफुल, हाउ शेमफुल. अगर आपको किसी को संभल कर जाने बोलना है या बोलना है ध्यान से जाइए, पानी है फिसल जाएंगे, या ऊपर नीचे का रास्ता है देख कर जाइएगा, संभल कर जाइएगा, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं वॉच आउट. सिर्फ एक वर्ड से बोल सकते हैं वॉच आउट, या फिर दो वर्ड की हेल्प से बोल सकते हैं बी केयरफुल, बी केयरफुल, वॉच आउट और बी केयरफुल. बात बात पे बहुत लोगों की आदत होती है भगवान को याद करने की, इस तरह से बोलते हैं हे भगवान या अल्लाह, तब इंग्लिश में आप बोल सकते हो ओ गॉड या फिर माय गॉड. अगर किसी ने कुछ ऐसा काम किया जो आपको पसंद नहीं आया, आपकी चीजें खराब कर दी, कुछ बिगाड़ दिया, तब हम हिंदी में बोलते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू. और अगर किसी थर्ड पर्सन ने किया है, किसी और ने किया है, आप उसे बोलना चाहते हैं, तब आप बोलिएगा हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही. अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, हाउ डेयर शी. अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि चलो जो होगा देखा जाएगा, हमने कुछ कर दिया, अब हम बोल रहे हैं अब जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या होगा, है ना, तब आप इंग्लिश में उसे बोलिए कम व्हाट मे, कम व्हाट मे. सिर्फ तीन वर्ड से आप बोल सकते हो कम व्हाट मे. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने काफी सारे सेंटेंसेस यूज किए हैं, आपको बताए हैं उसका यूसेज, दो तीन वर्ड्स के इस्तेमाल से ही मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बताए हैं. आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लग जाएंगे. तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.